चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है, मैं उसे बहुत गहरा रिश्ता समझता हूं। मेरा जन्म जहां हुआ वो गुजरात प्रदेश का एक छोटा सा गांव वडनगर, वो स्थान है जहां चीन के प्रसिद्ध यात्री शुआनजांग जब भारत आए थे तो मेरे गांव में भी आए थे, और कहते हैं कि बहुत लंबे अरसे तक वो मेरे गांव में रहे थे, और जब वो भारत से वापस जाकर चीन में शुआनजांग के शियान क्षेत्र गए थे, और मुझे इस बात का जब जानकारी हुई तो मुझे आनंद हुआ कि वो राष्ट्रपति सी जिनपिंग जी का क्षेत्र है। ये भी एक बड़ा विशिष्ट प्रकार का संकेत मैं समझता हूं। ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, वर्तमान में भी हम उसी अटूट डोर से बंधे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत आए तो सबसे पहले उनसे मैं गुजरात में जाकर के मिला। मैं स्वयं भी चीन की यात्रा कर चुका हूं, आपके देश में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। किताबों में चीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन चीन जाकर जो अनुभव मैंने किया वो अद्वितीय था। जब भी मैं चीन गया मेरी हमेशा मन में एक कसक रह जाती थी कि काश मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं चीन के हर क्षेत्र में जाता, हर इलाके में जाता, अधिकतम लोगों से मिलता, बहुत कुछ देखता।